जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। यहां पर आपको आज हम उपलब्ध करवा रहे हैं राजस्थान कांस्टेबल 2020 की यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज, जिसमें आज आपको उपलब्ध करवाया जाएगा 7 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर यानी इवनिंग शिफ्ट का पेपर। कुल मिलाकर के 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, जिसमें से ये जो पेपर है वो आज का पेपर है, 4th शिफ्ट का पेपर है। ये आज का पेपर है, 4th शिफ्ट का पेपर, और बाकी 3 पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही 2018 के पेपर्स भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 4 पेपर हुए थे जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और भी कई पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर की नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ये एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, कई पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। इस चैनल पर आपको उपलब्ध होता है प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, साथ में आपकी एग्ज़ाम होने के बाद आप जो पेपर देकर आए होते हैं उसका आपको आंसर की का इंतज़ार होता है। आप सभी आंसर की सर्च करते हैं, तो इधर उधर सर्च ना करके द फ्यूचर्स एजुकेशन को सर्च करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर होते ही आंसर की भी उपलब्ध हो जाती है। कोशिश करूँगा आपको जो आप पेपर का कमेंट करें वो भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। आपको जो भी पेपर की आवश्यकता हो कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ती है और यहाँ आपको उपलब्ध होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी दोस्तों। आप अपना सिलेबस क्लियर कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, इसके पश्चात जैसे ही एग्ज़ाम आने वाली हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख कर जाएं। हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देखें आप, जरूरी नहीं है कांस्टेबल भर्ती का अगर आपका एग्ज़ाम है तो कांस्टेबल का ही देखें। जो आपके करंट ईयर में और उससे पिछले ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हें देख कर जाएं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा, 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन बोरियत महसूस कराते हैं और इससे वीडियो भी लेंथी हो जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, आपके बाकी के सिलेबस का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन है सबसे पहले, 31 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह है, डैश वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है, कौन है वो? तो 31 में आ जाएगा ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन बी डेस्कटॉप। अगला आ जाता है आपके 7 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। और पेपर्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 32वां क्वेश्चन, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? 32 में आ जाएगा ऑप्शन ए आइकन, 32 में आ जाएगा ऑप्शन ए आइकॉन। 33, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? 33 में आ जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+N, Ctrl+N। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 34वां, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। 34 में आ जाएगा ऑप्शन डी कर्नेल, कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। 35वां क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? 35 में आ जाएगा ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स। आगे चलते हैं अगले पर। 36वां क्वेश्चन आ जाता है, विषम को चिन्हित करें, इनमें से विषम कौन सा है उसको चिन्हित करना है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन बी ऑफिस 365, ऑफिस 365। आगे चलते हैं अगले पर। 37वां क्वेश्चन आ जाता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? 37 में आ जाएगा ऑप्शन ए मॉडेम कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं अगले पर 38वें पर। 38वां क्वेश्चन आ जाता है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? 38 में ऑप्शन डी आ जाएगा HTTP, 38 में आ जाएगा ऑप्शन डी HTTP। 39 में क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? 39 में आ जाएगा ऑप्शन बी तीसरी जनरेशन के कंप्यूटरों में। 40वां क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है, कौन है जो कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? 40 में डी आ जाएगा, माउस CPU का भाग नहीं है, बाकी तीनों हैं। 41, इनमें से कौन
कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, कौन नहीं है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन डी DBMS, DBMS। 42वां क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? 42 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 42 में आ जाएगा ऑप्शन ए रैम। आगे है अगला 43 कंप्यूटर जॉयस्टिक। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डिलीट किया गया है और आपके फाइनल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया गया था और आपके इससे जो आपके फुल मार्क दिए गए थे। तो ये पूरा पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उपलब्ध हो रहा है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, क्वेरी कर सकते हैं। और आगे भी किसी पेपर की आवश्यकता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें, जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? 44 में आ जाएगा ऑप्शन डी मास्टर कुंजी। 44 में आ जाएगा डी। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? नहीं कहा गया है 45 में, डी आ जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 46 एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन सी डेटा प्रोजेक्टर का। 47 इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है 47 में आ जाएगा बी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। 48 में आ जाते हैं, 48 में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन डी फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल नहीं है, टोनर है, कार्टीज है, स्पूलर भी है, कौन सा नहीं है? डी फ्लैट पैनल। आगे है अगला 49 कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन डैश से होता है। 49 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पिक्सेल की संख्या से। 50 ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन सी HDMI, HDMI। 51 डैश ने मैक ओएस को विकसित किया है, इसका स्वामित्व रखते हैं और, तो कौन है वो जिन्होंने मैक ओएस को विकसित किया है और उसका स्वामित्व भी रखते हैं? 51 ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी एप्पल ने। 52 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन डी सिस्टम संसाधन प्रबंधन, सिस्टम संसाधन प्रबंधन। 53 ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? 53 में आ जाएगा ए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। 54 एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड से चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 54 में आ जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 55 एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है, की जाती है? 55 में आ जाएगा सी रिपोर्ट लिखने के लिए। आगे चलते हैं अगले पर, 56 में आ जाते हैं हम। 56 क्वेश्चन कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन डैश टैब में पाया जाता है, किस टैब में पाया जाता है? 56 में आ जाएगा ए होम, होम टैब में पाया जाता है। आगे है अगला 57 एमएस एक्सेल शीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला इक्वल्स टू A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी परिणाम आउटपुट इनमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 57 में ए आ जाएगा, 57 में आ जाएगा ए 0, 57 में आ जाएगा ए 0। 58 पर आ जाते हैं हम, 58 कह रहा है हमसे निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। 58 निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। 58 में आ जाएगा ऑप्शन ए फर्मवेयर। अगला आ जाता है 59 इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है, कौन सी विशेषता या फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? 59 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 59 में आ जाएगा ऑप्शन डी पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। आगे है 60 इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? 60 में आ जाएगा ए एमएस मैक ओएस, मैक ओएस एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है।
61 एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? 61 में आ जाएगा ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन ए। 62 भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? 62 में आ जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? फर्स्ट है मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। सेकंड है लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी थी। तो 63 में ऑप्शन जो है इसको आपके डिलीट किया गया दोस्तों, क्वेश्चन को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था 63 को, और बोनस अंक दिए गए थे सभी को। 64 लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है। 64 में आ जाएगा ए खापा चान, खापा चान। 65 भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? 65 में बी आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगले पर चलते हैं। 66 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? 66 में आ जाएगा ऑप्शन ए 52 से 73। 67 भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 67 में आ जाएगा सी लक्षद्वीप। अगला है 68 अवंती स्वामी मंदिर डैश में स्थित है। 68 में आ जाएगा बी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। 69 में आ जाते हैं एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? 69 में आ जाएगा ऑप्शन सी जापान ने, 69 में सी। 70 बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन ए गर्ल वुमेन अदर। 71 अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 71 ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। 72 भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? 72 में आ जाएगा ए तुंगभद्रा घाटी। 73 प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। 73 में आ जाएगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। 74 नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी खादर, 74 ऑप्शन बी खादर। 75 पर आ जाते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 75 है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? 75 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी कोलकाता में, 75 में डी आ जाएगा। 76 में आ जाते हैं। 76 कह रहा है क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? सी चिल्का झील, 76 में आ जाएगा सी चिल्का झील। 77 लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है जीवी मावलंकर भी कहते हैं इन्हें, तो 77 में आ जाएगा डी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? 78 ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। 79 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 79 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1992 में, 1992 में। 80 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहाँ है? 80 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा आपके ए 80 में आ जाएगा ए मुंबई में है। 81 सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 81 में आ जाएगा ऑप्शन बी असम से। 82 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी महेश भूपति, ऑप्शन डी महेश भूपति। आगे चलते हैं अगले पर। 83 क्वेश्चन है भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? 83 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 65 ईयर 65 वर्ष तक। 84 भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? 84 में आ जाएगा बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। 85 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? 85 में आ जाएगा सी हम्पी कोनेरू ने। 86 पृथ्वीराज चौहान
का दरबारी कवि कौन था? 86 में ऑप्शन सी आ जाएगा, चंद बरदाई। ऑप्शन सी। 87 डैश भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी? 87 में डी आ जाएगा, रजिया सुल्तान। 87 में आ जाएगा डी, रजिया सुल्तान। अगला है 88, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? 88 में आ जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है गोवर्धन पर्वत। 89, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, ऊँट को। 90, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी, मराठी। 91, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 91 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 91 में बी आ जाएगा, मांडला। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मांडला जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं 92 पर। 92 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? 92 में आ जाएगा ए, दिसंबर 1946 को। 93, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? 93 में बी आ जाएगा, फ्रुक्टोज के कारण। आगे चलते हैं अगले पर। 94, प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई यूनिट है, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? 94 में आ जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की। महाराष्ट्र में डैश एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है। 95 में ए आ जाएगा, लावणी। 96, पेशावती के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? 96 में डी आ जाएगा, धारा 375। आगे चलते हैं अगले पर। 97, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो इसमें आपके 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी, धारा 8B। अगला आ जाता है 98, किसी महिला को ज़बरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? 98 में आ जाएगा ऑप्शन डी, धारा 354B। अगले पर चलते हैं। 99, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? 99 में आ जाएगा ऑप्शन बी, धारा 376 ऑप्शन बी। 100, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी, धारा 376 डी। 101, धारा 376 डी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 101 में आ जाएगा ए, ऑप्शन ए, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। अगला आ जाता है आपके लिए 102, PCP NDT किससे संबंधित है? 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से पहले लिंग निर्धारण। 103 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? ऑप्शन 103 में आ जाएगा डी, धारा 366 है। 104, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? 104 में आ जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2018 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105 है, पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम डैश वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा? 105 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, 10 वर्ष। 106, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? 106 में आ जाएगा ऑप्शन सी, लाल चंद उस्ता द्वारा। 107, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था? 107 में आ जाएगा ए, वीर सिंह देव ने। 108 आ जाता है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? 108 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1857 में। ऑप्शन सी 1857, 108। 109 में आ जाते हैं, 109 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? 109 में आ जाएगा ऑप्शन सी, राव बी का। अगला आ जाता है 110, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? 110 में आ जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला आ जाता है 111,
महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में डैश के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था। 111 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूक ऑफ कनॉट। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं दोस्तों। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किस जगह के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट के दौरे के उपलक्ष्य में करवाया था। किसने कराया था देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो महाराणा फतेह सिंह ने कब करवाया था? 1889 में। और किसके दौरे के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट, ऑप्शन डी। बीकानेर ऊंट त्यौहार के महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है बीकानेर ऊंट त्यौहार? 112 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी में। अगला आ जाता है 113, बीगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 113 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। 114, राजस्थान में पतंग उत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है? 114 में आ जाएगा ऑप्शन सी जनवरी। आगे चलते हैं अगले पर। 115, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव डैश में मनाया जाता है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में। 116, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 116 में आ जाएगा सी, उदयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर। 117, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 117 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 6। आगे चलते हैं 118, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्राह वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स दर्राह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 118 में आ जाएगा बी, 2004 में। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 119वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? 119 में ऑप्शन आ जाएगा बी, सुंधा पहाड़ियाँ। 120, डैश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? ए आ जाएगा इसमें मारवाड़। 121, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 121 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1965 में, 1965। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 122वां प्रश्न है आपके लिए, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? 122 में आ जाएगा ऑप्शन सी 98। 123वां क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? 123 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में, 1955। अगला क्वेश्चन आ जाता है 124वां, राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? 124 में आ जाएगा ऑप्शन डी, सीसा और जस्ता का। राजस्थान भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। NTPC अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 125 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 125 में डी आ जाएगा। 12, 126, राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 126 में आ जाएगा बी, लिग्नाइट के लिए। 127, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत डैश में की गई थी, कब की गई थी? 127 में ए आ जाएगा, 1978 में, 1978 में। 128वां क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में कोटा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? 128 में आ जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है कोटा को। 129वां, गुजरात राजगृह के डैश से है? 129 में ऑप्शन सी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, गुजरात राजगृह के दक्षिण पश्चिम से है। आगे चलते हैं अगले पर। 130, राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 130 में आ जाएगा बी, 130 में बी आ जाएगा, नौ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है राजस्थान को, 130 में बी। 131वां क्वेश्चन आ जाता है, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? 131 में ऑप्शन सी आ जाएगा, कल्याण सिंह। जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी?
131 में सी कल्याण सिंह द्वारा। 132वां क्वेश्चन आ जाता है, जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल आंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं। 132 में आ जाएगा ए सहकारिता विभाग के मंत्री रहे थे। आगे चलते हैं अगले पर, 133वां, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है। 133 में बी आ जाएगा 34, 133 में आ जाएगा बी। 134वां क्वेश्चन आ जाता है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है। 134 में आ जाएगा सी, 134 में सी शून्य। 135, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। 135 में आ जाएगा डी 19। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश में यानी किस वर्ष में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। 136 में बी आ जाएगा 1986 में 1986। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे पेपर्स अगर आप पाना चाहते हैं, पेपर्स की आवश्यकता आपको हमेशा रहेगी दोस्तों, तो यहाँ आपको पेपर्स मिलते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो भी आपको आवश्यकता हो कमेंट करें। वीडियो कैसा लगता है, कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करें, और आपकी जो भी क्वेरी रहती है, जो भी क्वेरी आपकी रहती है उसे भी आप कमेंट करें, ताकि आप आगे भी पेपर्स पाते रहें। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 137वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। 137 में आ जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर, 137 में आ जाएगा ए उदयपुर। 138, किन वर्षों के दौरान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया। 138 में डी आ जाएगा 1985-86 के दौरान, 1985-86 के दौरान। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए डैश को राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था। 139 में आ जाएगा ए किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना। 140, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। 140 में आ जाएगा ए एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है 141, मीराबाई सदी की कवित्री थी, किस सदी की कवित्री थी मीराबाई। तो 141 में आ जाएगा ऑप्शन ए 16वीं सदी की कवित्री थी मीराबाई। 142, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं। 142 में आ जाएगा डी मामे खान। आगे चलते हैं 143 पर, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटेलिटिक कन्वर्टर का विकास किया। 143 में सी आ जाएगा आईआईटी जोधपुर। 144, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित करवाया गया। 144 में आ जाएगा सी बूंदी में, ऑप्शन सी बूंदी। 145 पर चलते हैं, 145वां क्वेश्चन आ जाता है, जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं। 145 में आ जाएगा बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 146, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। 146 में आ जाएगा बी लाल सिंह शक्तावत। 147, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। 147 में आ जाएगा सी 1948 में, 1948। 147 में सी। 148वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया। 148 में आ जाएगा बी रेवाड़ी हरियाणा मदार राजस्थान सेक्शन में। 149, निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है। 149 में आ जाएगा ए महासिंह राव। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है। 150 में आ जाएगा ए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।